नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैंट के नीचे से मोरी किस तरह से मोड़ते हैं। दोस्तों, हम लोग ज़्यादातर क्या है कि YouTube पर वीडियो देखते हैं, उसके अनुसार ही हम पैंट की कटिंग कर लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो काटने वाले ने लंबाई में से कहाँ से नाप ली है और कहाँ से नहीं ली है। लेकिन दोस्तों, हमें क्या करना होगा कि जब हम पैंट काटते हैं तो हम 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाते हैं और उसके बाद में हम यहाँ से आधा इंची की जगह छोड़ते हैं। यहाँ से दोस्तों देखो, ये 1.5 इंची का बेल्ट रोल है और यहाँ से हम आधा इंची की जगह यहाँ छोड़ते हैं और ये 1.5 इंची का बेल्ट रोल यहाँ लगाते हैं दोस्तों, और हम इसमें 1 इंची डाउन करके और फिर काटते हैं। दोस्तों, यदि हम इसमें 1 इंची डाउन करके काटेंगे दोस्तों, तो क्या होता है कि जब हम पैंट की सिलाई करते हैं तो सिलाई क्या है कि कम से कम आधा इंची तो सिलाई के अंदर सिकुड़ जाती है दोस्तों। तो आप कभी भी पैंट की कटिंग करें तो आप सबसे पहले तो आप उसको आधा इंची ऊपर से इंची टेप को इस तरह से आधा इंची निकाल के और फिर उसकी लंबाई नाप ले दोस्तों। इससे क्या होगा कि पैंट यदि 2 सूत या 3 सूत एक्स्ट्रा ज़्यादा रहेगी दोस्तों, तो पहनने वाला ये नहीं कहेगा कि हमारी पैंट है वो क्या है कि आपने लंबाई में कम बना दी। और यदि आप इसको 1 इंची इस तरह से निकाल के और आप कटिंग करोगे तो आपको क्या क्या होगा कि 1 इंची तो हमने ये काट दिया है आगे से एक्स्ट्रा और लंबाई जितनी वो लगा ली, लेकिन क्या होगा कि जब हम इसमें 1 इंची का बेल्ट 1.5 इंची का बेल्ट रोल यहाँ लगाएंगे तो हम लंबाई तो फिक्स नाप लिए, लेकिन क्या होता है कि दोस्तों जब हम इसकी सिलाई करते हैं तो 3 या 4 सूत ये घुट जाती है सिलाई के अंदर, और जब वो पहनने वाला है ना वो पहन के देखता है तो उसको ओछी सी लगती है दोस्तों। क्या होता हो सकता है कि दोस्तों नाप दें तो थोड़ा नीचे दे दे और पहनने के बाद में दोस्तों हो सकता है वो थोड़ा ऊपर पहन ले, इस कारण से वो क्या है कि ये थोड़ी पैंट है ना, हमको कभी भी कटिंग करे तो आधा इंची ज़्यादा ही करे दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी मोरी किस तरह से मोड़नी है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप मोरी किस तरह मोड़ते हैं। दोस्तों, मैं इस पैंट की लंबाई है ना वो क्या है कि 39.5 है दोस्तों, तो मैं यहाँ से 1 इंची नहीं किया हूँ, यहाँ से आधा इंची किया हूँ दोस्तों। यहाँ से आधा इंची लंबाई निकाल के इस तरह से, और उसकी लंबाई दोस्तों 39.5 है तो मैंने 39.5 ली है दोस्तों। तो इस तरह से आपको आधा इंची ऊपर निकालना है, 1 इंची नहीं निकालना है, और उसके बाद में यहाँ से जो ये हमने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा ये रखा है यहाँ से इस तरह से इसको मोड़ लेना है दोस्तों, इस तरह से इसको मोड़ लेना है, इस प्रकार से इस तरह से यहाँ से तोड़ेंगे आप। तो जब सिलने के बाद में इसके बाद में आप ये आ रही है ना क्रीच, उससे आप दूसरी क्रीच और बना लेना दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा बाद में सिलने के बाद में कि किस तरह से क्रीच मोड़नी है दोस्तों, तोड़ना है इसको। वीडियो में आप इतना ही बता रहा हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं इसको आधा इंची ऊपर निकाल के इंची टेप और फिर कटिंग की थी दोस्तों। यदि मैं 1 इंची निकाल के 1 इंची निकाल के कटिंग करता तो दोस्तों देखो, इसको पूरी को ही बता देता हूँ मैं आपको। ये मैंने यहाँ से पकड़ लिया है इसको, और इसकी लंबाई पैंट की 39.5 थी दोस्तों। तो देखो यहाँ से, ये देखो दोस्तों, यानी 39.5 लगभग 40.75 आ रहा है दोस्तों, इस तरह से ये 40.75 आ रहा है दोस्तों। और यदि हम 1 इंच ऊपर निकाल के ये कटिंग करते दोस्तों तो ये 39.5 की बजाय ये 3 सूत कमी बैठता दोस्तों। तो ऐसा आप कभी भी कटिंग करें तो आप 1 इंची की बजाय उसमें आधा इंची रखना दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये पैंट बना लिया हूँ और मैं अब आपको मोरी मोड़ना बताऊंगा कि किस तरह से मोरी मोड़ते हैं दोस्तों। प्रेस की सहायता से ये है ना, ये आवर लॉक की हुई है दोस्तों,
इस साइड में आपको क्या करना होगा कि इस तरह से ये पैंट की है ना, यहां से इस तरह से चिराई कर लेनी होगी दोस्तों। और जो हमने ये मार्का किया था तो इसको इस तरह से मोड़ लेना, इस तरह से, और यहां से इस तरह से ये मैंने आपको बताया था, इस तरह से इसको मोड़ लेना है, इस तरह से मोड़ लेना है। और उसके बाद में यहां से इसके ऊपर से प्रेस लगा देनी है, इसको बोरी तोड़ लेनी है, इस तरह से इसको बोरी मोड़ना भी बोलते हैं दोस्तों इसको, इस तरह से ये बोरी मोड़ लेते हैं, इस तरह से दोनों पाचे में इस तरह से इसकी इस तरह से चिराई करके, आप चाहे तो ऊपर तक भी इसकी चिराई कर सकते हैं, इस तरह से चिराई करके, और यहां से इस तरह से ये हमने इस तरह से और इस प्रकार से ये मोड़ लेना है इसको, इस तरह से इसके ऊपर से प्रेस लगा देनी है दोनों साइडों में, इस तरह से, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू।